सबसे पहले आप लोग यहां पे ध्यान से देखिएगा, 54,500 रुपए का लोन हमने लिया हुआ था जिसमें कि 16 ईएमआई हमने पे कर दी। टोटल हमने 24 महीने तक के लिए ईएमआई पे इस लोन को लिया हुआ था। अभी भी 8 महीने की ईएमआई मुझे पे करनी है और 8 महीने में जो मुझे पेमेंट उनको वापस करनी है वो 18,438 रुपए करनी है। तो भाई इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप आसानी से साथ लोन को अप्लाई कर सकते हो और काफी लंबे समय तक के लिए यहां पे लोन आपको मिल जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टीवीएस एप्लीकेशन के बारे में। टीवीएस एक ऐसी एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा है टीवीएस का नाम तो सुना। TVS कंपनी वही कंपनी है जिस कंपनी के आपने बाइक स्कूटी वगैरह को यूज किया हुआ या यूज करते हुए देखा होगा या बहुत तरह के उनके व्हीकल्स वगैरह आते हैं। तो भाई उसी कंपनी के माध्यम से आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे मजे वाली बात है यहां पे ट्रस्ट के बारे में सोचने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल ट्रस्टेड कंपनी है। तो अब यहाँ पे लोन को कैसे अप्लाई करना, चलो मैं आपको उसके बारे में जानकारी को शेयर कर देता हूँ। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले बात क्लियर करना चाहूंगा, जो इसका पूरा नाम है वो TVS क्रेडिट साथी है। और इस एप्लीकेशन का रेटिंग के बारे में बात करूं तो 4.2 की रेटिंग है, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। और अगर अभी हम यहाँ पर अबाउट वाले सेक्शन में चलें तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इंस्टेंट पर्सनल लोन भी इस समय आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2-व्हीलर लोन हो गया, मोबाइल लोन हो गया, कंज्यूमर लोन हो गया, 3-व्हीलर लोन हो गया, ट्रैक्टर लोन हो गया, इस तरीके से कई सारे लोन्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, तो चलिए अप्लाई करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। प्ले स्टोर पे जाने के बाद उसको इंस्टॉल करके सिंपल से ओपन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके डिवाइस की कुछ परमिशन मांगी जाएगी, आप उसको यहाँ पे इनेबल कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कि आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। लेकिन अगर आपका पहले से ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट बना हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने पहले बार लोन ले लिया, अगर मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगा तो मुझे मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हो लोन लेने के लिए तो आपको सिंपल सा रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप रिटेलर हो या बिजनेस हो, यानी कि इसका मतलब एक सिंपल सी बात समझ सकते हो, अगर आप अपना जॉब वगैरह करते हो तो आप यहाँ पर रिटेल सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप बिजनेस वगैरह करते हो तो बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इस टाइप का मतलब एक कस्टमर पूछा जा रहा है, भाई आप कस्टमर किस टाइप के हो, तो हम यहाँ पर रिटेल सिंपल सा सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें कि फर्स्ट नेम डाल देना, लास्ट नेम डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देंगे, अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे और यहाँ पे अपना जो प्रोफाइल है इसको क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे जो हमारा मोबाइल नंबर था उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी इस एप्लीकेशन के लिए एक एमपिन बना लेना, जो कि 4 डिजिट का रहेगा। सेम उसी एमपिन को दोबारा डाल देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो आपने एमपिन बना रखा उस एमपिन को एंटर कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे जब आप इस पेज पे आ जाएंगे, सबसे पहले ऊपर के साइड में ही आपको यहां पे लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन इस पे बिल्कुल भी आपको क्लिक नहीं करना है, बल्कि नीचे की तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 2-व्हीलर लोन मिलेगा, यूज कार लोन देखने को मिलेगा, ऑनलाइन पर्सनल लोन मिलेगा, यानी कि यहां पर आप मल्टीपल तरह के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल हमें पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो हम यहां पे पर्सनल लोन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको पहले लगता है कि भाई मुझे ऊपर यहां पे एक बैनर दिख रहा है उस बैनर पे क्लिक कर दूं, तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया है कि भाई तमिलनाडु और यहां बेंगलोर वालों के लिए ही वो लोन दिया गया है। अगर आप यहां कहीं से भी हो तो सबसे बढ़िया रहेगा आपको यहां पे ऑनलाइन पर्सनल लोन इस पे आपको क्लिक कर देना चाहिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे लोकेशन की परमिशन के लिए कहा जाएगा, आप सिंपल से ओके पे क्लिक कर देंगे। यहां पर बताया जाता है भाई कि 100% आपको पेपरलेस प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, 0 डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएगा। इंस्टेंट लोन आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं 24x7 यानी 24 घंटे आप चाहे जब मर्जी करें तब आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। और आप यहां पे जो भी अप्लाई कर रहे हो यहां पे ध्यान रखिएगा, आपको अपने पैन कार्ड आधार कार्ड की डिटेल को डालते हुए लोन के लिए अप्लाई करना है। फिलहाल सिंपल सा हम यहां पे लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे यहां पर आपसे पूछा जाएगा पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, सिंपल सा वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आपके पैन कार्ड से जो जानकारी रहेगी वो आपको यहां पे दिखा दी जाएगी, अगर सही है तो सिंपल सा आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे जो आपका करंट एड्रेस का पिन कोड होगा उसको एंटर कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको सेलेक्ट करना है आप एक सैलरी पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयर हो। अगर आप जॉब करते हो तो आप सैलरी सेलेक्ट करोगे, अगर आपकी छोटी मोटी कोई वर्कशॉप है, दुकान है, कोई बिजनेस है तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद देखेंगे नेट मंथली इनकम आपसे पूछी जाएगी, जो कि कम से कम 25,000 रुपए होनी चाहिए, फिर 25,000 से 50,000 रुपए होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है तो आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ वगैरह देने की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है, तो आप यहाँ पे 25 से 50 भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद देखिए आपसे पूछा था सैलरी क्रेडिट थ्रू, मतलब किसके थ्रू आपको सैलरी क्रेडिट होती है, कैश मिलता है या चेक मिलता है या बैंक ट्रांसफर, तो हम सिंपल से बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर टर्म कंडीशन का एक बॉक्स दिया जा रहा है, उस बॉक्स पर सिंपल से क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कि आपसे यहाँ बताया जाता है कि भाई आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी है। KYC कंप्लीट करने के लिए अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, जो कैप्चर दिखाया जाए उस कैप्चर फिलअप कर देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद सिंपल से आपको अपने डिजी लॉकर को अलाउ पे क्लिक करके परमिशन दे देनी है। तो इसके बाद देखेंगे आपके डिजी लॉकर में जो भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस वगैरह रहेगा वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पर्सनल ईमेल आईडी आपको दिखा दी जाएगी, फादर का नेम इंटर कर लेंगे, मदर का नेम इंटर कर लेंगे। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ डिपेंडेंसी, मतलब कि आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड हैं, मैंने अपने फैमिली में, तो आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट
कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आने पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। अगर आप मैरिड हो तो आपने सपोज नेम इंटर कर देंगे, एजुकेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। इसके बाद सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको 2 मिनट वेट करने के लिए कहा जाएगा। अब इसके बाद आप चाहते हैं यहाँ पे इसको स्कीप पे क्लिक कर देंगे, तो जैसे आप स्कीप पे क्लिक कर देंगे अब आपको मैं बताया कि भाई आप कितने लोन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे 25,000 रुपये का अप्रूवल आया हुआ है। ये लोन का अमाउंट आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर मिनिमम की बात करें तो कम से कम 5,000 रुपये, मैक्सिमम बात करें तो आप 5,00,000 रुपये तक का लोन यहाँ पे ले पाएंगे। हालांकि सारा कुछ डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल के ऊपर या फिर आपके सिविल के ऊपर। फिलहाल जो हमारे पास यहाँ पे 25,000 रुपये लोन का ऑफर आया हुआ है, अगर मुझे ऐसा लगता है मुझे सिर्फ 10,000 की जरूरत है या 5,000 जरूरत है तो मैं इस पर क्लिक करके ना इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ मुझे कितने लोन की अमाउंट जरूरत है। जैसे मान लीजिए मुझे 18,000, 15,000, 20,000, 25,000, यानी कि जो भी मेरे को अमाउंट चाहिए मैं उस अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर मुझे ये सेलेक्ट करना है कि पर्पज आप लोन, मतलब किस पर्पज से हम इस लोन को लेने वाले हैं। इसमें से आप किसी भी पर्पज को सेलेक्ट कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आपका पर्सनल लोन है, मैं कौन सा पर्पज सेलेक्ट करूँ। चाहे कोई भी सेलेक्ट करोगे रहेगा आपका पर्सनल लोन ही है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे 20,000 रुपये सेलेक्ट कर लिया, मुझे यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिल गए हैं। सबसे पहला ये कि मैं इसको 12 महीने ले सकता हूँ, जिसके लिए मेरे को हर महीने की ईएमआई देनी पड़ेगी 1,967 रुपये। वही इनको मुझे टोटल पैसा वापस करूंगा वो 23,604 रुपये करूंगा, करीब करीब ये यहाँ पे देखेंगे 3,500 मुझे महंगा पड़ेगा। वहीं अगर मैं इस लोन को अगले 9 महीने के लिए लेता हूँ तो 2,523 रुपये की हर महीने की ईएमआई आएगी, और टोटल जब इनको मैं पैसा वापस करूंगा वो 22,707 रुपये करूंगा। और वहीं अगर मैं इस लोन को सिर्फ 6 महीने के लिए लेना चाहता हूँ तो हर महीने 3,634 रुपये की ईएमआई मुझे पे करनी पड़ेगी, और टोटल मैं इनको जब पैसा वापस करूंगा वो 21,804 रुपये करूंगा। इस साल देखें करीब करीब मेरे को यहाँ पे 1,800 रुपये ये लोन महंगा पड़ेगा। ओवरऑल बताऊँ तो बहुत ज़्यादा महंगा लोन नहीं है। फिलहाल अगर आपको यहाँ पे लोन का अमाउंट समझ में आ चुका है, ट्यूनर टाइम समझ में आ चुका है, तो सिंपल सी बात है आपको नीचे की तरफ आ जाना और यहाँ पे देखेंगे कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको लोन का अमाउंट दिखा दिया जाएगा, प्रोसेसिंग फीस दिखा दिया जाएगा, आपके अकाउंट में कितना पैसा है। जैसे हमने 20,000 रुपये लोन के लिए अप्लाई किया है तो 19,402 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, फर्स्ट ईएमआई कब आएगी, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कितने परसेंट आपके ऊपर यहाँ पे चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जैसे देखेंगे यहाँ पर 37% लगाए जा रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा भी है, बहुत कम भी नहीं है। इसलिए सोच समझ ही लेना, पर्सनल लोन हमेशा ही महंगा होता है। मैं यही कहूँगा बहुत मजबूरी तभी लेना है, नहीं तो लेना ही नहीं है। फिलहाल मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पे लोन लेने की जरूरत पड़ रही है तो नीचे आ जाना है, मुझे अपने यहाँ पे अकाउंट की डिटेल एंटर कर लेना है। इसके बाद सिंपल से यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे पूछा जाता है भाई जो आपका एड्रेस है सही है, सही, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपसे पूछा जाता है भाई जो आपकी ईएमआई है क्या उसको ऑटो डेबिट रखना चाहते हो, यानी कि जिस अकाउंट में आपके पैसे आ रहे हैं उसी अकाउंट से हर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट हो जाए। अगर आप चाहते हो सिंपल से आप यस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखो आई एग्री वाला बटन आपको देखने को मिल जाए, इन दोनों पे आप क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी है, ओटीपी सिंपल से आप डाल देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको कंजर्वेशन का मैसेज दिखा दिया जाएगा और जो आपका लोन का अमाउंट है, जैसे 20,000 रुपये हमने लोन यहाँ पे अप्लाई किया था जिसमें कि 19,402 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में अगले 30 मिनट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। सो दोस्तों इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी को शेयर कर दिया। भाई जब अगर 1% अगर आपको यहाँ पे ऐसा हो जाए भाई लोन नहीं मिल पा रहा हो तो आपको दूसरे एप्लीकेशन से लोन के लिए अगर अप्लाई करने के लिए ट्राई करना है तो जो बेस्ट एप्लीकेशन है वो है आप यहाँ पे ट्रू बैलेंस हो गए या फिर ब्रांच एप्लीकेशन हो गए। ये एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपको बिना इनकम प्रूफ के छोटा लोन देती है। जब आप उसको टाइम से पेमेंट वापस करते हो तो आप बड़ा लोन भी ले सकते हो वो बिना इनकम प्रूफ के। उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे कितने का लोन मिला कि नहीं मिला प्लीज वो कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।